दोस्तों, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का यूपी स्कॉलरशिप का रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, मैं आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ओपन कर लीजिएगा गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद में आपको उस पर यूपी स्कॉलरशिप का जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। तो आपको यूपी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। आपको इस वेबसाइट का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा, नवीनीकरण रिन्यूअल के सभी छात्र छात्रा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन बिना रजिस्ट्रेशन के सीधे भरें। तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको बिना रजिस्ट्रेशन के सीधे भरना है। वो कैसे भरना है, तो जो आप मान लीजिए कक्षा 10 का कर रहे हो, तो आप कक्षा 9 में जो रजिस्ट्रेशन कराए थे स्कॉलरशिप का, आपको वो रजिस्ट्रेशन पुराना रजिस्ट्रेशन आपको आपके पास होना चाहिए। और अगर मान लीजिए इंटर का कर रहे हैं, तो आप कक्षा 11 का जो है रजिस्ट्रेशन संख्या आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा होगा स्टूडेंट, तो आपको स्टूडेंट पर जाना है। और स्टूडेंट पे जाने के बाद में यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन शो होकर आ रहा है, जो कि रजिस्ट्रेशन और फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन। तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो आप यहाँ पर आएंगे रिन्यूअल लॉगिन पे। और रिन्यूअल लॉगिन पे आने के बाद में यहाँ पर देखिए, अगर आप हाई स्कूल का कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आप पहले नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप इंटरमीडिएट का कर रहे हो तो आपको दूसरे नंबर पे क्लिक कर देना है। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन का करना चाहते हो तो आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन पे क्लिक कर दीजिएगा, या मान लीजिए आप अदर स्टेट का करना चाहते हैं तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं आपको इंटरमीडिएट का बताने वाला हूँ, तो इंटरमीडिएट पे आपको क्लिक कर दीजिएगा। और इंटरमीडिएट पे क्लिक करने के बाद में ये अगली डिटेल कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। अपना रजिस्ट्रेशन संख्या 2021 और 22 का फिल कर देना है, और यहाँ पर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर देना है, जो आप कक्षा 11 में रजिस्ट्रेशन करते समय जो है आपका पासवर्ड हो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, और फिल करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अगर आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड रजिस्ट्रेशन संख्या शो होके आता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए लिखा होगा, यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक। तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर लिखा होगा, तो आपको क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। और क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन या पासवर्ड जो है फॉरगेट करके नया पासवर्ड और नया रजिस्ट्रेशन संख्या रिन्यूअल के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए नवीनीकरण का ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहा है, और नीचे दशमलव पोस्ट मैट्रिक का ऑप्शन शो हो रहा है, और यहाँ पर नवीन फ्रेश शो होके आ रहा है। तो आपको नवीन फ्रेश पे नहीं क्लिक करना है, आपको नवीनीकरण पर सेलेक्ट रहने देना है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या आपको 2022 या 23 का आपके पास रजिस्ट्रेशन संख्या होगा नहीं, तो आपको यहाँ पर देखिए 2022, 2021 और 22 का रजिस्ट्रेशन संख्या फिल कर देना है, और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, और हाई स्कूल का बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष आपको यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर लेना है, और फिल करने के बाद में आपको पासवर्ड पुनः प्राप्त करें पे क्लिक कर देना है। तो आप पासवर्ड पुनः प्राप्त करें पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या जो है वो दूसरा चेंज होके मिल जाएगा, और आपको पासवर्ड भी चेंज होके मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पर चेंज हो चुका है, बीच बीच में कुछ अंक जो है चेंज हो जाएंगे, तो आपका रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ, आप किस तरह से अपना फॉर्म लॉगिन करेंगे और किस तरह से अपना फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर इस वेबसाइट पे आपको होम पे आ जाना है, होम पेज पे आ जाना है, वही प्रक्रिया करना है। यहाँ पर स्टूडेंट पे आएंगे, लॉगिन पे आने के बाद में आपको इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो न्यू पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन संख्या मिला है, आपको इसको कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, 2021 और 22 वाली रजिस्ट्रेशन संख्या में आपको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, और यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन पासवर्ड आपको फिल कर देना है जो यहाँ पर आपको मिला हुआ है, इस पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और कैप्चे कोड को फिल कर देना है, और फिल करने के बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म पूरा ओपन होके आ जाएगा कुछ इस तरह का, और ओपन होने के बाद में आपका यहाँ पर पूरा डिटेल भी शो होके आ रहा है। और आपको क्या करना है, आपको रिन्यूअल में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि आपका 2021 में जो है आपका कक्षा 11 में जो है पूरा फॉर्म फिल हो चुका था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा,
तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये अगली डिटेल कुछ इस तरह का हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। जो कि दोस्तों आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा कुछ भरना नहीं है, ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना है, जो कि हाई स्कूल का प्राप्तांक और पूर्णांक और पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए चौथा ऑप्शन मिल जाएगा, पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र में प्रवेश करने की तिथि। यहाँ पर आपको आप जिस डेट में आप कक्षा 12 में जो है एडमिशन कराए थे, आपको यहाँ पर अपना दिनांक तारीख को फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद में यहाँ पर देखिए पांचवा ऑप्शन हमारे सामने शो हो क्या रहा है, बोर्ड में पंजीयन क्रमांक। तो आपके हाई स्कूल बोर्ड में पंजीयन क्रमांक जो हो आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। और कुछ भी फिल करने के बाद में आप स्कूल में जब जांच प्रतिलिपि लेकर जाएंगे तो वहां से अपने कॉलेज में और बोर्ड में पंजीयन क्रमांक आप मांग लीजिए। और मांगने के बाद में आपको यहां पर फिर से संशोधन में फिल कर देना है। और फिल करने के बाद यहां पर छठा ऑप्शन मिल जाएगा, बोर्ड का नाम। तो आपके बोर्ड का जो भी नाम हो तो अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद में आपका गत वर्ष की कक्षा, आपका गत वर्ष का जो भी आपका गत वर्ष की क्लास हो, आप यहाँ पर अपना क्लास को फिल कर लीजिएगा। और फिल करने के बाद में पाठ्यक्रम का परीक्षा वाले यहाँ पर पास लिखी दीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर पूर्णांक भी आपको फिल कर देना है। और पूर्णांक को फिल करने के बाद में प्राप्तांक को भी यहाँ पर फिल कर देना है। और फिल करने के बाद में आपको शिक्षण संस्थान का नाम भी यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। और एंटर करने के बाद में आपको इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। और फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर मैं प्रमाणितकर्ता पे यहाँ पर बॉक्स बना होगा तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। और टिक करने के बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है। अगला चरण, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर देखिए होम का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो होम पे क्लिक कर देना है। तो आप होम पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का शो होके आ जाएगा। तो आपको यहाँ से जो है अपना जांच हेतु आवेदन प्रिंट को प्रिंट कर लेना है। आपका आधार प्रमाणीकृत यहाँ से जो है सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि आप कक्षा 11 में करवाए थे तो आपका आधार वहाँ से सक्सेसफुल प्रमाणीकृत हो चुका था, तो आपको दोबारा नहीं करना है। और उसके बाद में आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर लेना है। और जांच हेतु आवेदन प्रिंट करने के बाद में आपको अपने स्कूल में जांच करा लेना है। और जांच कराने के बाद में आपको यहां से मिल जाएगा जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। तो आप जांच करवा लेंगे तो आपको यहां पर क्लिक करके आपको लॉक कर देना है, उसको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर कुछ गलत होगा तो आपको यहां पर देखिए फिर से नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधन करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो है संशोधन कर लीजिएगा। और उसके बाद में आप यहां से लॉक कर दीजिएगा। और लॉक करने के बाद में फाइनल प्रिंट यहां से सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको प्राप्त कर लेना है। उसके बाद में अपने स्कूल में जमा कर देना है। देखिए जो फाइनल प्रिंट होगा तो आपका कुछ इस तरह का शो होके आ जाएगा। तो आप इसी तरह से जो है अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, रिन्यूअल कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का जो है रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन स्कॉलरशिप का कैसे करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।